मैं शायद 9th क्लास में थी और हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन होती है इन गर्ल्स दे वांटेड टू बी अ डॉक्टर एंड ऑल ऑफ देम. और मेरी क्लास में भी कुछ ऐसा ही था कि वो सब के सब डॉक्टर्स बनना चाहती थी. आई वाज ओनली वन जिसको डॉक्टर नहीं बनना था. आई सेड नहीं, आई डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ मीडिया पर्सन, आई वांट टू बी एन एंकर. बेसिक डिफरेंस ये है कि जब आप टीवी पर कोई बात कन्वे कर रहे होते हैं ना, तो आपकी बात को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर विजुअल्स मौजूद होते हैं. रेडियो में ऐसा नहीं है. उसमें आप जो भी कहना चाह रहे हैं, आपको अपनी आवाज़, आपको अपने अल्फाज से उसको कन्वे करना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कोशिश करते हैं, दे वांट टू बी ऑन स्क्रीन, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि नहीं, शायद ये चीज़ उनके लिए नहीं बनी. मेरा ये ख्याल है कि इंसान को अपने करियर को टारगेट करने से पहले ये देखना चाहिए कि जो वो काम कर रहा है क्या उससे वो मेंटली थक तो नहीं जाता. जो काम आपके लिए बना है उसको करते हुए आप कभी भी मेंटली थकते नहीं. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विस्डम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद. आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पिछले कई सालों से मीडिया की फील्ड से मुंसलिक हैं. ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के प्लेटफॉर्म FM 106.6 पे अपना प्रोग्राम करती रही हैं और आजकल ये डिस्कवर पाकिस्तान पे बतौर होस्ट काम कर रही हैं. इसके दरमियान में भी ये इंटर्नशिप के तौर पे काफ़ी सारे चैनल्स पे अपना काम कर चुकी हैं. हम इनसे जानेंगे कि मीडिया की फील्ड में और ख़ास तौर पे अगर हम रेडियो की बात करें तो रेडियो और टेलीविजन एंकरिंग में क्या फ़र्क है. आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया अरूसा चौधरी साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का. मैम सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि आप बहुत अरसे से मीडिया की फील्ड से मुंसलिक हैं, आप FM पे बतौर RJ भी काम करती रहीं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के प्लेटफॉर्म पे, और अब आप डिस्कवर पाकिस्तान में एज अ होस्ट काम कर रही हैं. मीडिया की फील्ड में आने का शौक़ आपके अंदर कब और कैसे डेवलप हुआ? इट वॉज़ बैक इन 2009, मुझे अभी तक याद है. मैं शायद 9th क्लास में थी और आपको पता है कि 9th क्लास, 8th, 9th क्लास ये कैसा टाइम होता है जिसमें बच्चों का अपने करियर को लेकर जो है एम्बिशंस को लेकर बहुत सारे ख्यालात होते हैं. बहुत सारे बच्चे जो है मोस्टली हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन होती है इन गर्ल्स दे वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर एंड ऑल ऑफ देम. और मेरी क्लास में भी कुछ ऐसा ही था कि वो सब के सब डॉक्टर्स बनना चाहती थी. टीचर ने वन बाय वन सभी से पूछा और उन सब ने हाथ खड़ा किया और डॉक्टर बनने की बात की. एंड आई वाज ओनली वन जिसको डॉक्टर नहीं बनना था. एंड आई सेड नहीं, आई डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ मीडिया पर्सन, आई वांट टू बी एन एंकर. शायद मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था अपनी इस एम्बिशन के बारे में कि मैं इसको लेके वाकई इतनी सीरियस हो जाऊँगी. एंड हियर आई एम अ न्यूज़ एंकर, अ होस्ट. And I did achieve it, and it's very good. मैम रेडियो की एंकरिंग और टेलीविजन के एंकरिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है? इन दोनों की काम में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जब आप टीवी पर कोई बात कन्वे कर रहे होते हैं ना, तो आपकी बात को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर विजुअल्स मौजूद होते हैं. रेडियो में ऐसा नहीं है. उसमें आप जो भी कहना चाह रहे हैं, आपको अपनी आवाज़, आपको अपने अल्फाज से उसको कन्वे करना है. तो मेरा ख्याल है कि उसमें लफ्ज़ों का चुनाव, आपकी क्लैरिटी और आपकी प्रोनंसिएशन जो है टीवी से भी ज़्यादा मैटर करती है. मैम जो लोग मीडिया की फील्ड में आना चाहते हैं उनके अंदर शौक है लेकिन उनकी पर्सनैलिटी टाइप वो नहीं है कि वो मीडिया पे आके ज़्यादा देर पा कंटेंट को मैनेज करके अच्छा काम कर सकें, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या वो मीडिया में आने की अहलियत रखते हैं या ये सिर्फ उनका सिर्फ एक शौक है? मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कोशिश करते हैं, दे वॉन्ट टू बी ऑन स्क्रीन, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि नहीं, शायद ये चीज़ उनके लिए नहीं बनी. मेरा ये ख्याल है कि इंसान को अपने करियर को टारगेट करने से पहले ये देखना चाहिए कि जो वो काम कर रहा है क्या उससे वो मेंटली थक तो नहीं जाता. मैं अगर अपने प्रोफेशन की बात करूँ, मुझसे लोग पूछते हैं कि आपकी जॉब काफ़ी टफ़ है, आप थक जाते होंगे, तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि हाँ, फिज़िकली हम थक जाते हैं लेकिन मैं मेंटली अपने काम से कभी नहीं थकती. ये एक बहुत अच्छा तरीका है ये जानने का कि क्या ये काम आपके लिए बेहतर या बेहतरीन है, क्योंकि जो काम आपका पैशन है, जो काम आपके लिए बना है उसको करते हुए आप कभी भी मेंटली थकते नहीं हैं. मैम जब आप मीडिया की फील्ड में आई तो आपने कुछ मुश्किलात फेस की या आपको बड़ा अच्छा माहौल मिला? अच्छा, मीडिया की फील्ड में आने के लिए पहली चीज़ आपकी फैमिली का सपोर्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. चाहे वो मीडिया की फील्ड नहीं है, चाहे वो कोई भी फील्ड है, आप किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आपकी फैमिली का सपोर्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, दे बिलीव्ड
कि मैं कुछ कर सकती हूँ. लेकिन यस, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो आखिरी वक्त तक, जब तक मैं ऑन एयर नहीं हुई थी, दे सेड कि शी कांट डू दैट, वो नहीं कर सकती. इवन मुझे अपने ही ख़ानदान में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे ये बताया कि अ गर्ल कैन ओनली बी अ टीचर और अ डॉक्टर. एंड आई सेड नो, अ गर्ल कैन बी एनीथिंग शी वॉन्ट्स. तो यस, डिफ़िकल्टीज़ हैं, आपकी फैमिली में भी होती हैं, माशरे में भी होती हैं, लेकिन आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है अगर आपने कुछ अचीव करना है तो. मैम, आपकी पर्सनैलिटी में एक फर्मनेस है, ये कोई इंस्पायरेशन का नतीजा है? कोई मेंटोर्स आपकी लाइफ में ऐसे थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि नहीं तुम कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि मोटिवेशन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैंने फील्ड से शायद किसी से इतनी मोटिवेशन नहीं ली, मैं मेरे अपने घर में मेरे लिए एक मोटिवेशन मौजूद थी. मैंने बचपन में अपने मामू को जो है न सिर्फ तकरीरें करते देखा, बल्कि उनकी वो जब भी कोई शील्ड लेकर आते थे ना, तो मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती थी. उनको तो होती होगी, मुझे बहुत होती थी. तो मैंने उनसे सीखा, और जब मैंने मीडिया में आने का फ़ैसला किया, ही वॉज़ द ओनली पर्सन जिन्होंने मुझे ये समझाया और जिन्होंने मुझे ये बताया कि तुम कोशिश करोगी तो तुम कर लोगी. मैम, मुझे ये बताएं कि जो लोग मीडिया की फील्ड में आना चाहते हैं, आप उन्हें क्या सजेशंस देंगी कि वो किस तरह अपने स्किल्स पे काम करें और कौन कौन से स्किल्स लाजमी तौर पे उनमें होने चाहिए? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि अब जो फील्ड मीडिया की है, चूँकि वो ज़्यादा डिजिटलाइज हो चुकी है, अब यूट्यूब का ज़माना है, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अब उतनी मुश्किल नहीं है किसी के लिए ऊपर आना. हाँ, उसके लिए उसके पास टैलेंट, उसके पास क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है. तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो मीडिया को परसू करना चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि वो अपने स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें, और फिर ख़ुद को बाउंड ना करें, खुद को किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड ना करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप डिपेंड ना करें, आप किसी चैनल के ऊपर डिपेंड ना करें. आप अपने काम को खुद से स्टार्ट करें. आपके पास अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, और अगर आप उसको शुरू करते हैं तो मेरा ख्याल है फिर आपको ख़ुद ब खुद मौका मिलना शुरू हो जाता है. मैम, मीडिया पे जब इंसान आता है तो उसके चेहरे के तासुरात भी बहुत अहम हो जाते हैं, वो लोग देख रहे होते हैं. तो आप पे कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वक्त आया जब आप बहुत मुश्किल में हो लेकिन आपको फिर भी लाइव शो करना पड़ गया हो या कोई रिकॉर्डिंग ऐसी करनी पड़ गई हो, तो उसमें आपने क्या किया? बिल्कुल ऐसा होता है, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आपको कोई मसला है, आप बीमार हैं, ठीक है, लेकिन आपके स्क्रीन पे कभी भी ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता. आपके बड़े ही न्यूट्रल एक्सप्रेशंस होते हैं. यस, वी फेस्ड इट मैनी टाइम्स. आई मीन, सम टाइम आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है. अल्हम्दुलिल्लाह कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कभी हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आप में बैठने की भी शायद हिम्मत नहीं होती. आपने 16 घंटे 18 घंटे ड्यूटी की होती है, आप बुखार से तप रहे हैं, कोई और एंकर अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल आप काम कर रहे होते हैं. और लेकिन ये कि आपके अंदर जो मोटिवेशन होती है, आपकी अपनी जो एक पैशन होता है ना कि नहीं यार गुजर जाएगा, उसमें हमने इस चीज़ को फेस किया है. लेकिन विद प्रैक्टिस, विद टाइम, ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आ जाती हैं. मैम, अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में आप यूथ को क्या मैसेज देंगी? अच्छा, मैं यूथ को यही कहना चाहूँगी, आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, मैंने देखा है कि लोग काम से ज़्यादा बहुत बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टाइम जो है वो अपना इन्वेस्ट करते हैं. मेरा ख्याल है कि, और हम हमेशा ये बात करते हैं कि पढ़े लिखे होने में और बाशऊर होने में बहुत फ़र्क होता है. आजकल पढ़े लिखे तो बहुत लोग हैं, लेकिन बाशऊर लोग बहुत कम हैं, अखलाकियात की बहुत कमी है. और ये मराल जब आपके डाउन हो जाते हैं ना, तो फिर आप की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती. आप इंसान तो बन जाते हैं, आप लोगों को नज़र आते हैं, लेकिन आपके अंदर जो पर्सनैलिटी है शायद वो कहीं से ग्रूम नहीं होती. तो मेरा ख्याल है कि आजकल हमारी यूथ को पहले अपनी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के ऊपर काम करना चाहिए. मैम, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनका काम है, उनके वीडियो लेक्चर्स भी हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, कासिम अली शाह साहब के मैंने बहुत सारे लेक्चर्स खुद सुने हैं. मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ उनके लेक्चर्स की, और स्पेशली जो काम वो कर रहे हैं, स्पेशली जो यूथ के लिए उन्होंने काम किया है, ख़ास तौर पर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, और जिस तरह से वो लोगों को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो डिज़र्विंग हैं, ये एक बहुत बड़ी कह लें कि इस सोसाइटी में उनका कंट्रीब्यूशन है कि वो यूथ को न सिर्फ उनकी एजुकेशन में उनको हेल्प आउट कर रहे हैं, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में उनको हेल्प आउट कर रहे हैं. उनके ये सेशंस जो हैं, एक स्टूडेंट को एक जनरल स्टूडेंट से बहुत डिफरेंट कर देते हैं. जब आप उनकी ग्रूमिंग के ऊपर काम करते हैं, जब आप उनकी पर्सनैलिटी पे, जब आप उनकी अखलाकियात पे काम करते हैं, तो आप दो लोगों में कंपेरिज़न करके देखें तो 6 माह के बाद आप दो लोगों में बहुत मैसिव डिफरेंस पाएंगे. मैम, अगर आप एंकर ना होती तो आप क्या होती?
अगर मैं एंकर ना होती, मैंने शायद कभी भी इस बारे में नहीं सोचा, मुझे शायद सोचना चाहिए था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मीडिया के अलावा किसी और फील्ड में जाऊंगी। शायद अगर मैं एंकर ना होती तो मैं एक ब्यूरोक्रेट होती। बहुत बहुत शुक्रिया अरूसा चौधरी साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके काम के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।